तो मैं ये बोल रहा था, अभी मैं इस्तांबुल में आ गया हूँ। दो ऑप्शन है मेरे पास में, एक मैं मेट्रो करके जाऊँ और दूसरा ऑप्शन है कि मैं बाय वॉक जाऊँ। ठीक है, ऑलरेडी पहली बहुत टाइम आया हूँ इस्तांबुल में, तो पता है मुझे कैसे जाना है, कहाँ जाना है। तो अभी मेरा प्लान है आज का, एक्चुअली शिप आज रुकी हुई है और दो दिन के लिए शिप यहीं है, तो सुबह से रात तक का टाइम है मेरे पास में। बाहर मैं घूम सकता हूँ, एक्सप्लोर कर सकता हूँ, देखा मौसम। तो अभी मैं फिलहाल सोच रहा हूँ कि कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद में मैं म्यूज़ियम जाना है, बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ पे, वो चीज़ मैं दिखाऊँगा, वो चीज़ को देखना है और उसके बाद में देखेंगे क्या करना है। अगर सोफिया आया हुआ तो वो भी विजिट कर लेंगे आज। चलो, आ गया अपना अदना कबाब। तो ये कबाब का लेयर है ऊपर और ये दलिया बहुत टेस्टी रहता है, तो मज़ा आता है खाने के लिए, और साथ में ब्रेड देते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं खाना। अब खाते हुए तो दिखाऊंगा नहीं, लेकिन खाने के बाद में खाता हूँ मैं। ये अपना खाना पीछे, मज़ा आ गया। पता नहीं यार ये क्या है, अच्छा मॉस्क है। ओके, तो मज़ा आ गया खाना खा के। खाना खाने के बाद में अभी चलो जाएंगे, अभी यार इतना पेट भर के खाया हो ना, चलने की ताकत नहीं है। तो अभी मेट्रो ही करना पड़ेगा, और उससे मैंने चेंज करवा लिया, कुछ मेरे पास में यूरोस थे, उससे मैंने जो टर्किश करेंसी है लीरा, मैंने वो चेंज करवा लिया। टर्की में अगर आप कभी भी विज़िट करोगे ना, तो एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना, वो ये है कि उनसे कभी भी लीरा में बात करने का, डॉलर या फिर यूरो में बात करोगे ना, लूट लेंगे वो। तो आ गया हूँ मेट्रो स्टेशन में, 5 स्टेशन के बाद में मेरा स्टॉप है। तो म्यूज़ियम तो आ गए अभी हम लोग सोफिया हया के पास, देयर विल बी द एंट्रेंस, लेट्स गो फ्रॉम हियर। ये मेट्रो है, मस्जिद है, तो अभी आ गए हैं हम लोग मेन एंट्रेंस पे, मतलब मेन एंट्रेंस नहीं है, मेन जहाँ पे ये है सोफिया हया मस्क। तो लेट्स सी सोफिया हया मस्क, और इसका जो एंट्रेंस है यहाँ से है, और ये लॉन्ग लाइन है। मैंने ट्राई किया था बीच में घुसने का, लेकिन उसने देख लिया, तो उसने बोला कि लाइन लगाना पड़ेगा, तो अभी मैं जा रहा हूँ लाइन लगाने के लिए। तो लेट्स सी, जाते हैं और फिर देखते हैं। यार बहुत दूर तक लाइन है, लेकिन मैं बीच में घुसने वाला हूँ अभी। जैसा मैंने बोला था, मैं बीच में लाइन में घुस गया और फाइनली मैं एंटर कर रहा हूँ अभी सोफिया हया के अंदर फर्स्ट टाइम। तो देखते हैं अंदर जाके कि क्या है, कैसा है। ये गेट्स है और लेट्स गो फ्रॉम हियर। अच्छा, यहाँ पे एग्ज़िट है और यहाँ से उसका एंट्रेंस है, ये मॉस्क के अंदर है। ये है मॉस्क, वाव माशाल्लाह ब्यूटीफुल। ऐसा एंट्रेंस बनाया हुआ है ये जो अपने टूरिस्ट के लिए, लेकिन टूरिस्ट की भी हद एक तरफ ही है कि यहाँ पे फ्रंट में अपना टूरिस्ट सिर्फ यहाँ तक आ सकते हैं मस्जिद में देखने के लिए, लेकिन एक हद के बाद में सिर्फ जेंट्स जा सकते हैं, अगर किसी को वहाँ पे
नमाज पढ़ना हो तो। हो गया मॉस्क, अभी निकलेंगे यहाँ से एग्जिट। अब जाएंगे हम लोग म्यूजियम में। अब वो मेरे को पता नहीं कि कहाँ पे है ये म्यूजियम, तो लेट्स सी। ये म्यूजियम का एंट्रेंस है, अब चेक करना है कि ये पास कहाँ से मिलता है, और ये भी चेक करना है कि ये राइट म्यूजियम है ना, जो म्यूजियम में मेरे को जाना था। अच्छा, जो म्यूजियम में जाने का चार्जेस था वो था 500 लेरा, और मेरे पास में कैश नहीं था, तो मैंने मेरा कार्ड यूज़ किया और कार्ड नहीं चला, तो यूरोस थे मेरे पास में और वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे यूरोस को। तो एक बंदा था कोई बाजू में, तो उसको मैंने बुलाया, यार मैं तेरे को यूरोस कैश पे कर देता हूँ, मेरा कार्ड स्वैप कर दे करके। तो फाइनली आई एम एंटरिंग इनसाइड, लेट्स सी। ये एंट्रेंस है हरम का, तो लेट्स सी, काफ़ी चीज़ें रखी हुई है यहाँ पे। सुल्तान म्यूजियम, हाँ, तो जो पीछे जो म्यूज़ियम में जाके आए वो एक्चुअल में हरम करके था, ज़बरदस्ती का पैसा दिया। वो सुल्तान का महल था, ब्यूटीफुल था अंदर से, कुछ अलग था देखने। तो अभी जहाँ पे एक्चुअल में हमको जाना है वहाँ पे जा रहा हूँ, तो देखते रहो। ये आ गया है हमारा, जिसके लिए मैंने इतना पैसा खर्चा किया और कन्फ्यूजन था। तो ये है वो जगह जहाँ पे हमको जाना है अंदर, मुकद्दस, जो मुकद्दस चीज़ें रखी हुई है इस्लामिक। तो लेट्स सी, लेट्स गो इनसाइड एंड सी। माशाल्लाह माशाल्लाह, स्टार्ट करेंगे यहाँ से। Thank you.
सल्लम के हाथ से लिखा हुआ लेटर सूरह कद्र
छोटी भी तो है Thank you.
गाइस और भी म्यूज़ियम है यहाँ पे, लेकिन बस हो गया। देखा आप लोगों ने यार, जब मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक देखा रोंगटे खड़े हो गए थे, एकदम अजीब। क्या मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आया था और ये चीज़ की ज़्यारत हो गई। बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को भी अच्छा लगा रहेगा। मैं देखता हूँ वीडियो अगर आगे होता है तो शूट करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा फिर लंबा हो जाएगा वीडियो। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बाकी अपडेट आते रहेगी, वीडियो आते रहेगी। तक ले बाय बाय। जाऊंगा चल के यहाँ से, थक गया हूँ काफ़ी कि जब से बैठा ही नहीं हूँ, तो वॉक करके जाएंगे शिप पे वापस से, कुछ खा लेंगे रास्ते में और दैट्स इट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।